हाय दोस्तों, जोहार, नमस्कार। तो आज चलिए फिर हम निकलते हैं बेटी नबू आवास के लेकर के। तो अभी जो भी होगा सामुदायिक भवन में, हम आप लोग को वीडियो में बताएंगे। तो चलिए हम अपना घर से निकल चुके हैं, जल्दी जल्दी ले चलते हैं आप लोग के वहाँ पर, जहाँ हम लोग के ग्राम सभा स्थल है। वहाँ पर आज विशेष रूप से हम लोग रणनीति बनाएंगे और वंचित लोगों को, हमारा वंचित गाँव है, उसको कैसे हम लोग वापस ला सकते हैं और यहाँ नबू आवास के लाभ ले सकते हैं। तो बहुत बड़ा गड़बड़ी है और हम चलिए आगे बताते हैं आप लोग के। आज की मीटिंग में जो होगा हम लोग को, वो है कि हमारा पंचायत में चार गांव होता है और चार गांव में से हमारा दो गांव को पूरा पूरी नबू आवास को लेकर वंचित किया गया है। तो उसके लेकर के हम लोग आज रणनीति बनाएंगे और डीसी के पास ज्ञापन सौंपने के लिए ये करेंगे। तो चलिए हमारा बैठक उसी मकसद पर। ये देखिए, ग्रामीण जनता धीरे धीरे सभी लोग इकट्ठा हो रहे हैं और जा रहे हैं रास्ता में। और फिर हमारा मेनका समाधान केंद्र के सामुदायिक भवन तक स्टाफ भी उपस्थित रहेंगे। तो देखिए, हमारे ज्योति दीदी हैं, ये भी बैठक में आज आ गए। हम लोग को भी जागरूकता अभियान करना है, जैसे अभी सरकार पेंशन के लिए जो योजना निकाला है। तो ये देखिए, हम ग्राम सभा स्थल में आ चुके हैं, लोग यहाँ पर जुटे हैं और ये देखिए धीरे धीरे लोगों की उपस्थिति बढ़ते जा रहा है। और इसके बाद देखिए, अभी बैठक में जो भी निर्णय होगा, कुछ लोग इधर उधर से अगर बैठे हुए हैं, वहाँ पर दरी बिछाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके बाद हम जो भी यहाँ पर होगा उसके दिखाएंगे। देखिए, आदमी की संख्या जो है धीरे 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 यहाँ पर बढ़ चुका है। और आज जो होगा इसके बाद, बैठक के बाद ही हम बता पाएंगे कि आज क्या हो पाया। तो चलिए बने रहिए और देखते रहिए आगे। तो सुनिए अरुण सिंह के बातों को। गरीब है, गरीब लोगों को देना था, तो उसमें हम लोग के जानो पंचायत से हुआ कि स्कोर जो है हम लोग के पटना गांव में बहुत कम है, 2-3 है जो हम लोग को आवास नहीं बन पाएगा जल्दी। और बाकी लोग के जो है कि 8, 9, 7, 6 इस तरीके के स्कोर दिया गया है। जो 8, 9 होगा उसका पहले होगा और 2-3 होगा बहुत पीछे होगा, वो नहीं के बराबर ही मानते। तो हम लोग के गांव में उस तरीके के 7 और 8 जो है स्कोर है अब आवास में, एक भी क्या नहीं समझे। इसमें हम लोग को इसमें बैठक में यह निर्णय लेना कि आखिर हम लोग के पंचायत है, तो पंचायत में चार गांव है तो चार गांव में भी नहीं होना चाहिए। तो हमारा गांव में मैंने आवास से वंचित रहिएगा, लेकर के हम लोग एक आवेदन बनाइए और हम लोग डीसी महोदय के आवेदन देने के लिए प्रयास करेंगे। तो अरुण सिंह जी के द्वारा जो बात कही जा रही थी उसके बारे में आप लोग भली भांति समझ चुके होंगे। इनका मेन कहना है कि जे अगर हमारा पंचायत में चार गांव है तो 2 गांव में 6, 7, 8 स्कोर दिया गया है और हमारा गांव के 2-3 दिया गया है। तो यानी हमारा गांव को अमीर के श्रेणी में रखा गया, बाकी गाँव को गरीब के श्रेणी में रखा गया। वैसे लोगों को भी यहाँ पर स्कोर दिया गया है जिसको पिछले बार पीएम आवास का लाभ मिल चुका है, और वैसे लोगों को दिया गया है जो मतलब सहायक शिक्षक हैं और मतलब उनके घर के ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिनको अति ज़रूरत है उनका एकदम स्कोर कम कर दिया गया है। करना है तो आयोग करना है उसी जगह उसी घर में, अब उसी समय जो है आपको जो स्कोर जो अभी दिया गया है वही इसको देना था उसी समय कि इस बनाने योग्य है तो ये स्कोर इसको दिया जाए। लेकिन उस तरीके के यहाँ जांच टीम हमारे पंचायत में जांच टीम के माध्यम से उस तरीके के हुआ नहीं। इन्होंने कहा कि यहाँ पर जांच टीम था, उसके द्वारा सर्वे करके देना था, लेकिन वैसा नहीं हुआ, कागजी पर किया गया उसी में। उन लोगों ने बताया कि नहीं, वेरिफिकेशन के लिए कुछ खर्चा जियोटेक के नाम पर किया जा रहा है। और जब हम कहे कि जियोटेक कितना दिया तो 500 रुपये दिए, जब फिर हम बोले कि अगर फाइनल हो जाएगा तो नहीं पूछे क्या लगेगा, तो हमने उन्होंने बोला कि नहीं, इसे 10 से 15 हज़ार तक ला देना होगा। यही सब मैंने हम उसका रिपोर्ट भी रखे थे लोग को, आप सही उसका लिस्ट नाम है, वो मैंने जानो के हैं रही वार्ड के। अब इधर कोई नहीं दिया जियोटेक के नाम में, उसका किसी को नहीं हुआ।
आज के बैठक में जो निकल के आ रहा है, इसमें यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो पैसा लेन देन का भी मामला बहुत जबरदस्त चला है, लेकिन सरकार वैसा नहीं किया था। आपकी योजना, आपके सरकार, आपके द्वारा कार्यक्रम में निशुल्क था और ऐसा करना था, लेकिन यहाँ पर जब आवेदन अप्लाई किया लोग, तो इसके बाद जियो टेक के नाम पर भी 500-600 रुपया प्रत्येक लाभुक से पैसा वसूला गया, और जिसको मतलब हाई स्कोर देना है उसके लिए 10 से 15 हज़ार रुपया करके और उसे फाइनल किया गया, और वैसे लोगों को उस सूची में नाम भी आ चुका है जो पैसा दिया है। तो इस तरह के बहुत घोर अन्याय हुआ है हम लोग के साथ में। आगे देखिए, तो हम लोग को तो वीडियो साहब यही चीज बताए थे, हम लोग 3 बार बैठक किए, पंचायत समिति से भी 2 बार किए, 1 बार मुखिया के यहाँ गए, पंचायत समिति नहीं आया, मथुरा यादव, तो उन्होंने इस बात को रख दिया कि नहीं ऐसा नहीं होगा, हर गांव को दिया जाएगा, स्कोर खत्म हो गया। तो मतलब संघर्ष शुरू से ही चलते आ रहा है इस मामला पर अबुआ आवास के लेकर के, कि जे हमारा गांव के वंचित है। लोग प्रयास कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, प्रधान जी के द्वारा भी, वीडियो के पास, फिर जो भी प्रतिनिधि उनके पास, ताकि हमारा गांव के भी आ जाए। लेकिन फिर कुछ लोग जिला में भी हमारा ब्लॉक से गए, जिला लेवल में भी, हम पिछला वीडियो में बताए थे, हम लोग 25 लोगों ने आवेदन बना करके वीडियो के दिया, वीडियो के माध्यम से यहाँ पर जांच भी भेजा गया नीरू मैडम को, लेकिन जांच करने के बाद फिर पता चला कि उसको कागज़ को फाड़ फूड़ के फेंक दी। यहाँ पर सीधा सीधी है कि जो पैसा देगा उसका काम होगा, और वो आज तक रिपोर्ट नहीं आया। हमारा घर के भी, हम विकलांग स्तर पर हैं, हमारा 50% ऐसे भी साटिक पीटेक में है, तो मुझे भी जांच की। दोस्तों आज के बैठक में जो भी हम लोग को निर्णय लिया गया, वो एक आवेदन बना कि हम लोग डीसी के पास ज्ञापन सौंपेंगे, और यहाँ से हम लोग मांग करते हैं कि जांच करते हुए पुनः सर्वे किया जाए।